Assalamualaikum everyone, a very good afternoon. How are you all? I hope you all are fine and safe. I'm your teacher Hina Ajmali. Today is your Urdu class. Let's start the class. Fold your arms. Taus. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tarjuma. Main pana mangti hu Allah Taala ki शैतान मर्दूद के शर से. आई सीक द रेफ्यूज टू अल्लाह फ्रॉम शैतान एंड द आउटकास्ट. तस्मिया. बिस्मिल्लाह ए रहमान ए रहीम. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है. विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज द मोस्ट मर्सीफुल एंड द लॉर्ड ऑफ मर्सी. Raise your hand for dua. Dua for increasing knowledge. Ilme izafe ki dua. Rabbi zidni ilma. Ey mere Rab, mere ilme izafa farma. O Allah, increase my knowledge. Ameen. तो आज आपकी उर्दू की क्लास है और उर्दू की क्लास में आज हम क्या पढ़ रहे हैं. उर्दू की क्लास में आपको टीचर पढ़ा चुकी है हुरूफ़े तहजी का हमने पहला हुरूफ पढ़ा था ना, याद है आप सबको. हमने पहला हुरूफ कौन सा पढ़ा था आप बताएं, कौन सा पढ़ा था? अलिफ. हुरूफ़े तहजी का पहला हुरूफ हमने क्या पढ़ा था? अलिफ. अब आप बताएं अलिफ. देखिए ये कौन सा हुरूफ है? अलिफ. ये कौन सा हुरूफ है? अलिफ. और अलिफ से क्या आता है पता है ना आप सबको? अलिफ से अनार. क्या आता है अलिफ से? अनार. अलिफ से अनार. ये देखिए क्या है ये? अनार. क्या है ये? अनार. अलिफ से अनार. वेरी गुड. और अलिफ से क्या आता है बताएं भाई? और अलिफ से क्या आता है? टीचर आपको पढ़ा चुकी है अलिफ से बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन आप लोग बताएं अलिफ से क्या आता है? अलिफ से अनार, अलिफ से अंगूर. और बताएं अलिफ से अलमारी. वेरी गुड. अलिफ से अमरूद. अलिफ से तो बहुत सारी चीजें आती है ना. तो टीचर आपको क्या पढ़ा? अलिफ पढ़ा चुकी है. तो आज आपको टीचर क्या पढ़ा रही है? आज हम हुरूफ़े तहजी का एक और हुरूफ पढ़ेंगे. हम अलिफ पढ़ चुके हैं, एक और हुरूफ पढ़ेंगे और उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बे. ये क्या है? बे. देखें बे, ये हुरूफ़े तहजी का दूसरा हुरूफ है जिसे कहते हैं बे. और बे के नीचे क्या होता है? बे के नीचे एक नुक्ता. अलिफ के नीचे कोई नुक्ता नहीं था, बे के नीचे एक नुक्ता. बे की हम ये पहचान है कि बे के नीचे क्या होता है? बे के नीचे एक नुक्ता. देखें बे के नीचे एक नुक्ता. बे. बे से बिल्ली. बे से बिल्ली. बिल्ली देखी है ना आपने? ये वही बिल्ली है बिल्कुल जिसे हम कहते हैं कैट. ये बिल्ली, इसको क्या कहते हैं? बिल्ली. बे से बिल्ली. बे से बिल्ली. और बताएं बे से क्या क्या चीजें आती है? आप लोग बताएं भाई बे से, जल्दी से बताएं. बे से बत्तख. देखें बे से बत्तख. बे से बादल. बे से बादल. बे से बिल्ली. बे से बत्तख. बे से बादल. और क्या है भाई ये? बे से बारिश. बे से क्या है ये? बे से बारिश. देखें ये कौन सा हुरूफ है? ये आपके पास हो गया बे. बे से बिल्ली. बे से बिल्ली. बे से बत्तख. बे से बादल. बे से बारिश. और भी बे से बहुत सारी चीजें आती हैं पता है आपको. बे से अब आप लोग बताएं. बे से बस. और क्या आती है बे से? बे से बकरी. बे से बस. बे से बकरी. बे से बंदर. देखा बे से कितने सारे अल्फाज. देखिए कितने सारी चीजें आती हैं बे से. ठीक है, बे से भी बहुत सारी चीजें आती हैं. अब आपको टीचर, अब आप सब क्या करेंगे? उर्दू की बुक टेक आउट करेंगे. ठीक है, उर्दू की बुक टेक आउट करें. ठीक है, अब आपने ये वाली बुक टेक आउट करनी है. उर्दू की बुक है हर्फ कहानी इब्तदाई तस्वीर तस्वीरी कायदा प्ले ग्रुप. ठीक है, ये बुक टेक आउट करेंगे और इसमें हम पेज कर ओपन करेंगे 3 and 4. ये देखें 3 and 4. और ये क्या है भाई आप बताएं?
टीचर अभी, टीचर ने अभी आपको बताया ना ये कौन सा उर्फ है, बे, और बे के नीचे क्या होता है, एक नुक्ता, बताएं, बे से बत्तख, बे से बादल, बे से बारिश, बे से बिल्ली, बे से बत्तख, टीचर के साथ पढ़ें, बे से बत्तख, बे से बादल, बे से बारिश और बे से बिल्ली। पता है आपको टीचर क्या करवा रही है, टीचर अब आपको स्टोरी बता रही है, किसकी, बे की, कहानी सुनाएंगी भाई, कहानी सुनेंगे सब, टीचर आपको कहानी सुना रही है। देखें कौन है भाई ये, देखें ये कौन है, सब पिक्चर देखेंगे, ये कौन है, ये कौन है भाई, ये तो अहमद है, ये देखें अहमद और बीना, ये कौन है, ये अहमद है और इसका नेम क्या है, बीना। अरे वाह, इसका नाम भी बे से आ रहा है, बे से बीना, बे से बीना। अहमद और बीना अपनी बिल्ली के साथ बाग में आए, ये देखें ये कौन है, ये अहमद है और ये बीना है, ये किस, कौन है, इसके साथ ये क्या है, ये बताएं, बिल्ली, बे से बिल्ली। कहाँ आ रहे हैं भाई, ये बाग में आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, ये अपनी बिल्ली के साथ बाग में आए। ये देखें पानी में बत्तख तैर रही थी, ये देखें ये क्या है, ये पानी है और पानी में ये क्या चीज है, ये बताएं ये क्या चीज है, बत्तख, बे से बत्तख। बत्तख क्या कर रही है, पानी में तैर रही थी, पानी में बत्तख क्या कर रही है, तैर रही है, ठीक है। इतने में काले बादल आ गए, अरे वाह, यहाँ पे भी क्या है, बे से बादल, बे से बादल। इतने में काले, ये देखें काले काले बादल नजर आ रहे हैं, ये देखें ये काले काले बादल हैं, ये आ गए और बारिश बरसने लगी। जब काले बादल आते हैं तो क्या होता है, बारिश स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बारिश शुरू हो जाती है। ये देखें ये कौन है, ये अहमद है और ये बीना है और ये क्या है, ये बिल्ली है। देखें ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग इंजॉय कर रहे हैं ना, मजे ले रहे हैं, किसके, बारिश के, क्योंकि इतने में काले बादल आ गए और बारिश बरसने लगी। देखें हम एक दफा और रीड करते हैं, अहमद और बीना अपनी बिल्ली के साथ बाग में आए, ये देखें ये दोनों क्या कर रहे हैं, बिल्ली के साथ बाग में आए। पानी में बत्तख तैर रही थी, बे से बत्तख तैर रही थी, इतने में काले बादल आ गए, बे से बादल। इतने में क्या आ गए, काले बादल और बारिश बरसने लगी, और बे से भी क्या आता है, बारिश, वेरी गुड। देखें बे से बारिश, बारिश बरसने लगी। भाई बताएं कैसे लगी आपको स्टोरी, अच्छी थी ना, अच्छी है ना, ये देखें अब आपको टीचर बोर्ड पे भी बता रही है। भाई बताएं कौन सा उर्फ है, बे, बे से, आप बताएंगे क्या है, बेसे बिल्ली, वेरी गुड, बेसे बत्तख, अरे वाह आपको तो याद हो गया, बेसे बारिश, बेसे बादल, बेसे बिल्ली, टीचर के साथ पढ़े, बेसे बिल्ली, बेसे बत्तख, बेसे बारिश, बेसे बादल। और भी टीचर ने कितनी सारी चीजें चीजें बताई ना आपको, अब टीचर क्या करेंगे, अब आप लोगों से पूछेंगी बहुत, इसके अलावा अब आप लोग चीजें याद करेंगे, बे से और क्या क्या आता है, बे से बस आती है, बे से बंदर और बे से बकरी, ये भी तो बे से ही आती है ना, इतनी सारी चीजें आती हैं बे से, ठीक है। अब आपको पता है टीचर क्या बता रही है, अब आपको टीचर आपका होमवर्क बता रही है, ठीक है, अब आपको टीचर आपका होमवर्क बता रही है, होमवर्क, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, सबने वार्षिक पैट टीक आउट करना है, ठीक है। उसमें हम पता है क्या ओपन करेंगे, उसमें हम उर्दू का सेक्शन ओपन करेंगे, ये रहा आपका उर्दू का वर्कशीट पैड, में से हम क्या करेंगे, उर्दू सेक्शन टेक आउट करेंगे और उसमें हम ये जो हमारे पास बे का हरफ है, ये रहा देखेंगे कौन सा हरफ है, बे, हुर्फ के मुताबिक तस्वीर से मिलाएं और रंग भरें, यह आपका होमवर्क है। यहाँ आप डेट मेंशन करेंगे और इस वर्कशीट का नंबर है 9, उर्दू में 9 है और इंग्लिश में से कहते हैं 9, ठीक है। अब बताएं बे से ये क्या है, बिल्ली, बिल्ली में क्या करेंगे, रंग करेंगे यानी कि कलर करेंगे और इसको बे से मैच कर देंगे यानी कि मिला लेंगे, और बे से ये बादल हैं, बे से बादल, इसमें भी क्या करेंगे, कलर करेंगे यानी कि रंग करेंगे और इसको मिला लेंगे। अब बताएं क्या ये बे से आता है, ये वाला, ये क्या चीज़ है, ये तो पत्ता है, ये तो बे से नहीं आता, और ये क्या चीज़ है, पेंसिल, नहीं ये भी बे से नहीं आती, सिर्फ हमारे पास बे से बिल्ली और बे से बादल, यही दो चीज़ें हैं, इसको हम कलर भी करेंगे और मैचिंग भी करेंगे, ठीक है।
और टीचर ने होमवर्क जो है वो आपका बोर्ड पे भी मेंशन किया है, वर्कशीट पे, डू वर्कशीट नंबर 9, इसका जो नंबर है वो 9 है, बे हुर्फ के मुताबिक तस्वीर से मिलाए और रंग भरे फ्रॉम वर्कशीट पे, यानी कि आपको वर्कशीट पे में वर्कशीट नंबर 9 को कंप्लीट करना है, अपना होमवर्क करना है, सबने अच्छे से कलर करना है, ठीक है, अच्छे से कलर करें और अच्छे से मैचिंग करें और फिर टीचर आपको पता है क्या देने वाली है, स्टार देने वाली है, ठीक है। अब हम क्लास फाइंड अप करेंगे, लेट्स फाइंड अप द क्लास, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।